Good morning, dear students. This is Manpreet Singh, and today we will read our next chapter, that is Footprints Without Feet. And students, I must tell you that this chapter is written by H. G. Wells, and his full name is Herbert George Wells. He was born in 21st September 1866 in London, and he died in August 13, 1946. Okay. So students, this is a short part, this chapter is a short part of a book which he wrote in 1897, and the book name is The Invisible Man. With it, they wrote some kind of book, as example, The Hollow Man, The Invisible Man, before it they wrote also. But this book is published in 1897, okay. So let's see what happened in this chapter, and before to learn this chapter, I must tell you that this story relates with the Griffin scientist who made some experiments to invisible a man with his medicine, with his experiments. So students, let's see what happened in this chapter. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. The two boys started, जो दो लड़के थे उन्होंने शुरू कर दिया, सरप्राइज हैरानगी से चलते हुए, और आई कैन से स्टार्टलिंग, एक वर्ड मैं आपको बता दूँ, स्टार्टल STARTLE, तो उसका मतलब भी सरप्राइज ही होता है. तो बच्चों ने क्या किया, उन दो लड़कों ने क्या किया, सरप्राइज के साथ पीछा किया, फॉलो किया कि उनको फ्रेश मडीप्रिंट्स को, इम्प्रिंट्स को, इम्प्रिंट्स होते हैं जो हमारे निशान होते हैं या पैरों के निशान जो होते हैं, फ्रेश ताज़े ताज़े मड़ी कीचड़ से सने हुए, ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. ओके, व्हाट वाज अ बेयर फूटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस. अब देखो, दोनों ने देखा, पर उन्होंने मन ही मन क्या सोचा, एक नंगे पैर चलने वाला व्यक्ति जो होगा, व्हाट वाज अ बेयर फूटेड, एक नंगा सॉरी नंगे पैर जो व्यक्ति है, मैन Doing on the steps of her house. वो क्या कर रहा है, कहाँ पर, उस घर के steps पर, in the middle of London, London के बीचों बीच, and where was the man, और वो व्यक्ति है कहाँ, as they gazed, जैसे उन्होंने क्या किया, gazed, ध्यान से देखा, a remarkable sight, एक attract करने वाला उन्हें एक sight दिखा, met their eyes, a fresh footmark appeared from now here, अभी एक जगह पर उन्हें क्या दिखा, फ्रेश फुटमार्क दिखा, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, अब उन फुटप्रिंट्स के पीछे पीछे चल दिए वो, वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. अब देखो क्या हो रहा था, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, डिसेंडिंग इट मीन्स जो ढलता जो शेप है, जो नीचे की शेप है, उसके अंदर क्या हो रहा था, वो स्टेप से नीचे उतर रहा था, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गली की तरफ बढ़ रहा था. The boys followed, लड़कों ने पीछा किया, fascinated until, मतलब उन्होंने अलर्ट होके बड़े ध्यान से उन्होंने पीछा किया, until कब तक, तब तक पीछा किया जब तक the muddy impression became fainter and fainter and fainter, और जब तक क्या नहीं हुआ, वो कीचड़ के जो निशान थे वो फीके नहीं पड़ने लगी, and at last disappeared altogether, वो सब के सब एक साथ गायब हो गए. The explanation of the mystery, जो वर्णन था, जो explanation था इस mystery का, इस रहस्य का, was really simple enough, वो काफ़ी क्या था, बड़ा ही easy था, बड़ा ही simple था. The bewildered boys has been following a scientist. वो जो हक्के बक्के हुए जो लड़के थे, मतलब जो वो सरप्राइज जो बॉयज थे, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वे क्या कर रहे थे, एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी डिस्कवर किया था किसको, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट, देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब था पारदर्शी, पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के आर पार देख सकते हैं, वो चीज़ पारदर्शिता होती है, मतलब क्लियर होती है, ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं दिखाई देता. ग्रिफिन द साइंटिस्ट, अब देखो अंडरलाइन कर लेना बेटा, कि वो कौन था, वो था साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन था. उसके बाद है द साइंटिस्ट हैड, सॉरी इसको मैं ऊपर कर दूं, आप ध्यान दें, द साइंटिस्ट जो ग्रिफिन था
had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. अब जो साइंटिस्ट जो ग्रिफिन था वो क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, वो एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था टू प्रूव, ये प्रूव करने के लिए दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, इनविजिबल कि जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या हो सकती है, इनविजिबल हो सकती है, गायब हो सकती है. फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became a transparent as a sheet of glass. अब देखो क्या हुआ, उसने एक ड्रग तैयार की, मतलब एक दवा तैयार की, जैसे उसने उस दवा को लिया हो तो उसका शरीर जो उसकी बॉडी थी वो कैसी होगी, एक शीट ऑफ ग्लास की तरह, एक शीशे का जो या एक जो शीशा होता है उसकी तरह, मतलब उसके आर पार उसके सब कुछ दिखने लगा. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज अ ग्लास, बट उसका शरीर गायब तो दिखने लगा, मतलब उसका इनविजिबल तो हुई बॉडी, पर सॉलिड उतनी ही थी जैसी रियलिटी में है. बोला अगर वो किसी को टच करेगा तो वो पता लग जाएगा कि वहाँ पर कोई है. आगे देखो, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, हालांकि वो क्या था, बहुत ही लाजवाब एक वैज्ञानिक था, गिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन, पर वो कैसा था, वो कानून की अवहेलना करने वाला, आई मीन टू से ही वॉज द मैन हु डिसओबे द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट टू मूव आउट. एंड हिज लैंडलॉर्ड जो उसके मकान मालिक डिसलाइक्ड हिम, वो उसे पसंद नहीं करते थे, एंड ट्राइड, उन्होंने ट्राई किया टू इजेक्ट हिम, मतलब उसको मूव आउट करने के लिए, उसको बाहर निकालने का ट्राई किया. इन रिवेंज, अब बदला लिया उसने, ग्रिफिन ने क्या बदला लिया, सेट फायर टू द हाउस, उसने उस घर में आग लगा दी जिस घर में वो रहा करता था, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और वहाँ से गेट अवे भाग निकलना. ही रैन आउट विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. अब देखो उसको अगर नहीं दिखना तो उसको कैसे रहना पड़ेगा बिना कपड़ों के, क्योंकि उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई, उसके कपड़े नहीं. ओके तो उसके बाद है, दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वेंडर. अब ये वो था, इस तरह वो क्या बना, एक होमलेस वेंडर, या मैं कह सकता हूँ एक स्ट्रे पर्सन कह सकता हूँ, गली में रहने वाला आवारा जो वो कह सकते हैं, विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, बिना कपड़ों के, बिना रुपयों के, और अभी भी क्या इनविजिबल. अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड. और ये कब तक वो इनविजिबल था, जब तक उसने कीचड़ के अंदर अपने पैर नहीं रखे और अपने पैरों से वो फुटप्रिंट्स नहीं क्रिएट करता रहा, तब तक वो क्या था, इनविजिबल था. आगे देखें, ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज, वो बड़े आराम से उन लड़कों के पास से भाग निकला. इसमें आगे है, इन लंदन, उसी लंदन सिटी में, उसके बाद है बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. अब इसका मतलब ये नहीं था कि उसका एडवेंचर्स मतलब उसके जो करजियस वर्क है वो खत्म हो गया. ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर, उसने क्या किया था, उसने गलत जो टाइम था वो चूज़ किया था, किसके लिए, टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, मतलब लंदन के अंदर मंडराना, भटकना, चलना फिरना बिना कपड़ों के. इट वॉज मिड विंटर, ये सर्दियों का जो मध्यांतर समय था, मतलब ये मिड विंटर की बात है, मिड से जब अपने सर्दी स्टार्ट होती है अक्टूबर के अंदर, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी अब तो चलो ठीक है, अपने लास्ट फेब तक काउंट करें. तो उसने क्या किया, सपोज़ करो उसने जनवरी का मंथ चूज़ कर लिया था, किसके लिए, यूँ बिना कपड़ों के उस लंदन सिटी के अंदर घूमने के लिए. लंदन के अंदर वैसे भी बहुत ठंड होती है, देयर वॉज ब्यूटिफुली कोल्ड. अब जो हवा थी लंदन की, जो एयर थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो कुछ नहीं कर सकता था बिना कपड़ों के. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड to slip into a big London store for warm. अब देखो उसने क्या किया, वो चलता गया, उसने डिसाइड किया कि अब वो कहाँ जाएगा, लंदन के एक बड़े से स्टोर के अंदर, और वहाँ पर जाकर क्या देखेगा, कुछ गर्माहट या गर्म कपड़ों को ढूंढेगा. उसके बाद एक क्लोजिंग टाइम, जो बंद होने का समय था, अराइव्ड, आ गया. एंड एज सून एज, और जैसे ही द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस.
विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना कोई खर्चे की उसने क्या किया, अपने आप को वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, अपने आप को आनंद देना शुरू कर दिया, ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों का, फीडिंग, भोजन का, हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड ऑफ एक्सपेंस टू एक्सपेंस सॉरी, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म. उसने क्या किया, उसने बॉक्सेस को खोला, रैपर्स को खोला और अपने आप को फिट किया ताकि वो गर्म हो सके या उनको गर्म कपड़ों की जरूरत है, यूज़ किया सून जल्दी ही विद शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट. उसने एक हैट, शूज़ और ओवरकोट पहना, ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. और अब उसने जब पूरे कपड़े पहने तो फिर से दिखने लगा. उसके बाद है एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट, उसके बाद ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट. ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, उसने कोल्ड मीट और कॉफ़ी ढूंढ ली एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेक्स फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स. उसने भोजन को लिया किसके साथ, स्वीट्स के साथ, वाइन के साथ, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स. अब उसने क्या किया, वो एक ढेर पर जाकर लेट गया. अब इसमें देखो वो ढेर किसका था, वो ढेर था उन रजाइयों का, मतलब बहुत ही नरम बिस्तर पर वो लेट गया. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल. अगर क्या होता, ग्रिफिन अपने आप को एबल कर लेता सही समय पर उठने के लिए, तो क्या होता, माइट हैव बीन वेल तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाता. एज इट वॉज He did not wake up. पर हुआ क्या, He did not wake up until the assistants were already arriving. वो कब तक नहीं उठा जब तक वहाँ पर असिस्टेंट नहीं आ गया, मतलब उस स्टोर में काम करने वाले. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, when he saw a couple of them, जब उसने उन दो को देखा, मतलब दो असिस्टेंट्स को देखा, उसके बाद क्या हुआ, approaching, he panicked and began to run. वो घबराया और उसने दौड़ना शुरू कर दिया. दे नेचुरली गेव चेज, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भी क्या करेंगे, चेज करेंगे, उसका पीछा करना शुरू कर दिया. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स. अब देखो उसने लंदन स्टोर के अंदर जाके कपड़े तो पहन लिए, पर अब वो तब तक वो अपने आप को बचा नहीं पाया जब तक उसने क्या नहीं किया, अपने कपड़ों को उतारा नहीं. सो वंस मोर, तो एक बार फिर से क्या हुआ, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. मैंने आपको कहा था उसने जनवरी मंथ चूज़ किया, यहाँ पर वो मेंशन हो चुका है. और आपको ये भी बता दूँ कि जब फिर से वो लंदन की जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर बिना कपड़ों के घूम रहा है, और जनवरी की रात आप सब जानते हो बड़ी गर्माहट भरी होती है. सॉरी, आपको अच्छे से मालूम है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही.